जय। दिवस परेड से पहले पूर्व सोवियत संघ से जुड़े चार नेता एक साथ नजर आए हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ बेलारूस कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष नजर आए हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जपारोव भी उनके साथ नजर आइए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी एक साथ कैसे मौजूद है, जो कि आज विजय दिवस जो परेड है उसको देखने के लिए मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। पुतिन के रूस को नए सिरे से एकीकरण करने में जुटे हुए हैं। तो पूर्व सोवियत संघ के जो चार नेता उनका एक साथ नजर आ रहा है, क्या यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है, क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है? क्योंकि एक बार याद है हमें कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब रूस की तरफ से यह बयान भी सामने आया था कि जो सोवियत संघ का जो एरा था उस दौर में एक बार फिर से रूस को लेकर जाना चाहते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आज होने वाली परेड में कैसे पुतिन अपने विनाशक हथियारों का न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि कई बड़े ऐलान भी इस बीच हो सकते हैं, जिसमें चासव यार पर कब्जा, यूक्रेन युद्ध में और भी विध्वंसक ऑफेंसिव रणनीति, हमलों में तेजी और परमाणु युद्ध की आशंका इससे माना जा रहा है कि बढ़ जाएगी। हाल ही के दिनों में पुतिन ने इन सभी बातों को लेकर अलग अलग समय पर कई बड़े बयान दिए हैं, जिनसे पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। बिल्कुल, तो जो अब हो रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो अपने आप में चिंता में डालने वाली है। और हमारे साथ देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं, संजय मेस्टन सर का सीधा रुख करना चाहेंगे। संजय मेस्टन सर, देखिए सवाल ये है, जिस तरह से बेलारूस या फिर कजाकिस्तान तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त पहुँच रहे हैं, वो जो विजय दिवस की परेड है उसको देखेंगे, विटनेस करेंगे, ये क्या बतला रहा है? क्या ये भी अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है सिम्बॉलिक तौर पर? बिल्कुल, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसका कारण ये है कि पहली बात, ये कई देश पहले सोवियत यूनियन के साथ हिस्सा थे और अभी उनके अलग होने के बावजूद वो उनके साथ खड़े हुए हैं, खासकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और बेलारूस। दूसरा क्यूबा और लाओस, जो अभी साउथ ईस्ट एशिया में है लाओस, उसका भी अगर वहाँ पर राष्ट्रपति है, और नॉर्थ कोरिया का जो मैसेजिंग है वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट का इनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज गया, तो ये साफ जाहिर है कि कई देश इनके साथ अभी खड़े हो रहे हैं। तो एक ये काउंटर, मतलब नेटो के लिए एक नैरेटिव है कि हम अकेले नहीं है, इसमें ईरान शामिल है, सीरिया शामिल है और चाइना शामिल है, और ये कुछ जो हेड्स ऑफ स्टेट आ रखे हैं यहाँ पर सामने, तो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है पूरे वेस्ट को, अमेरिका को, कि हमारे साथ भी लोग खड़े हुए हैं और पावर कंट्रीज है। और साथ में एक और मैसेज है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन का मेरे ख्याल एक स्टेटेड एम है कि वो जो अस्टवाइज पुराना जो सोवियत यूनियन था उसको वापस रिगेन करना, वो ग्लोरी रिगेन करना, और उसी पे उन्होंने देखे यूक्रेन में हमला किया, और इसीलिए वो लिथानिया जैसे देश अभी बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करना चाहेंगे। तो थोड़ी अर्स्ट वाइल जो सोवियत यूनियन के देश थे उनमें थोड़ी खलबली मचेगी। देखिए सर, जो आप कह रहे हैं वो इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी मनीष आप भी रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि पुतिन की आज के समय में भी सबसे बड़ी टीस अगर कोई है तो वो सोवियत संघ का विघटन, और कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि एक बार फिर से एक ही अम्ब्रेला के अंडर ये सभी लोग नजर आए। और इन तस्वीरों पर जरूर जिक्र कीजिएगा, मैं चाहूंगी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आए जहां पर सोवियत संघ के जो शामिल पूर्व देश थे उनके राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे थे। मनीष बिल्कुल प्रतिमा, देखिए चार देशों के राष्ट्रपति एक साथ, इस तस्वीर के अपने आप में बहुत ही बड़ा मायना है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन का क्या सपना रहा है, पुतिन कहते हैं कि रूस को वो गौरव फिर से हासिल करना है जो रूसी साम्राज्य का था, और इसीलिए वो कहते हैं कि सोवियत संघ से अलग हुए सभी देशों को एक साथ होना होगा। अब सभी देश तो एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि यूक्रेन भी उससे अलग हुआ था और यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, वहीं लिथुआनिया लातविया जैसे देश हैं जो कि नाटो का मेंबर हो चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे देश भी हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे और आज रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बेलारूस को राष्ट्रपति लुकाशेंको को आप देख सकते हैं, इसके अलावा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति भी साथ में। तो क्या इस तस्वीर के जरिए पुतिन दरअसल अपने लोगों को और दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ चार हैं, यह संख्या बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं नाटो को, उनका मानना है नाटो की वजह से सोवियत संघ टूटा था, नाटो से जंग करके एक बार फिर सोवियत संघ नाम की एक बड़ी छतरी दोबारा से बनाई जा सके। बिल्कुल, और देखिए मनीष, इससे पहले कि हम अगली बड़ी खबर करूं करें, जरा बॉडी लैंग्वेज को भी हम देखें। वो जो कहा जा रहा था पश्चिम की तरफ से कि पुतिन पस्त हो जाएंगे 2 साल के इस युद्ध के बाद, लेकिन आज भी वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है।